मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज एक पेड़ मां के नाम पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अगर सच्चे मन से यह पर्यावरण संरक्षण के लिए बीजेपी काम कर रही है तो हम उसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6.5 करोड़ पौधे नर्मदा नदी के किनारे लगाए थे। उनका क्या हुआ, आज 10 लाख पौधे भी जिंदा नहीं है। बीजेपी ग्रीन वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए सिर्फ इवेंट करते हैं और भूल जाते हैं। इस पवित्र कार्यक्रम में कांग्रेस साथ में है, लेकिन सवाल इस बात का है कि पवित्र मन के साथ यदि भारतीय जनता पार्टी पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कदम बढ़ाती तो हम हैं, लेकिन भाजपा का हमने जो देखा है कि हमेशा ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाना हो, अखबारों में टीवी में आना हो, पौधे की बात कर लेंगे हम इतने लगाएंगे, लेकिन जब 6.5 करोड़ पौधे शिवराज चौहान ने नर्मदा परिक्रमा में लगाए थे, 10 लाख पौधे भी जीवित नहीं है, फिजिकल रिपोर्ट है। यदि इस तरीके से करना है तो ये पैसे की बर्बादी है। यदि पवित्र मन से करके उनके संरक्षक बन के जिन पौधों को आप लगा रहे हैं तो कांग्रेस साथ में है, ये अच्छा काम है, करना चाहिए।